हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट टेनिस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं, वह अभी देखा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच में ये तनाव जो है 2020 में 20 का शुरुआत ही हुआ है और ये तनाव कम होने का उम्मीद नहीं ले रहा है। हालांकि अमेरिका ईरान के बीच का जो ये तनाव है ये कोई नया नहीं है, ये एक लंबे समय से अमेरिका ईरान के बीच में तनाव चला आ रहा है, लेकिन 2020 में लग रहा था कुछ कम होगा, लेकिन जिस प्रकार के अभी देखा जा रहा है सिचुएशन, ये बढ़ता जा रहा है। अभी इसको हम लोग बेसिकली इसके हम लोग घटना को समझेंगे और इसका अभी क्या हालात हो सकता है, मतलब अभी नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता होने के चांसेज है, जो कि बहुत लोगों का कहना है कि ये तीसरा विश्व युद्ध की आहट हो सकती है। हालांकि तीसरा विश्व युद्ध एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो इसकी संभावना तो नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है अगर दोनों देश आपस में लड़ते हैं तो, और इसका इंडिया पर क्या असर हो सकता है। ये आपका बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर वन का जो करंट अफेयर सेक्शन है उसके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, तो आपको इस टॉपिक को अच्छा से ध्यान रखना होगा। बेसिकली हम लोग इस लेसन में हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही, इसके अलावा हम लोग इसकी और डिटेल्ड कहानी में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टोरी लाइन को समझें, तो स्टोरी लाइन में है कि अभी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी जो कि ईरानी फोर्स के मेजर जनरल थे और इनका ईरान में एक बहुत बड़ा नाम था और बहुत ही फेमस थे, एक पब्लिक में इनका एक अच्छा इमेज था और माना जाता था कि फ्यूचर का ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकते थे। ये कुद्स फोर्स के चीफ भी थे और इनको बगदाद में एक हवाई हमला किया गया अमेरिका के द्वारा और इनको उस हमला में मार दिया गया, जिसकी वजह से ईरान जो है इस हमले का बदले की कार्रवाई रखा गया और इसको बदला लेने की बात किया बार बार। तो इस वजह से अमेरिका और ईरान में काफ़ी तनाव बढ़ गया है। अब अमेरिका जो इसको मारा है, जो मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को, तो इसको मारने के पीछे अमेरिका जो अपना वजह बताया वो बोला है कि IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स, IRGC के ये चीफ थे और US जो है इस ग्रुप को, यानी IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स क्रॉप्स, इसको जो है एक आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया था, आतंकवादी संगठन माना गया था अमेरिका के द्वारा और इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। और यही वजह है जो कि अमेरिका का कहना है कि सुलेमानी को मारना जरूरी था, क्योंकि अमेरिका को यह भी मानना है कि अमेरिका और इराक के बहुत सारे लोगों को, जो कि 27 दिसंबर पिछले साल जो घटना हुई थी, तो उस घटना में बहुत ज़्यादा अमेरिका और इराकी लोग मारे गए हैं, और ये सब मारे जाने के पीछे जो है वो जनरल कासिम सुलेमानी का इसमें हाथ था। इस वजह से अमेरिका जो है बगदाद पे हवाई हमला करके मार दिया गया। अब इसके बाद में जो है ईरान जो है वो भी बदले की भावना रखे हुए है और उस पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। तो अभी जो नया इक्वेशन डेवलप किया जा रहा है, वो नया इक्वेशन किस प्रकार का हो सकता है, खासकर गल्फ कंट्रीज की बात करें, खाड़ी देश की बात करें, तो यहाँ पे दो देश हो जाते हैं, एक हो जाता है ईरान, दूसरा हो जाता है USA। ईरान के सपोर्ट में कई देश आ गए हैं, जैसे कि रसिया, चाइना, सीरिया, लेबनान, यमन, इराक, ये सारे देश जो है ईरान के सपोर्ट में आ सकते हैं। उसका वजह है कि रसिया तो है कि अमेरिका से उसका प्रॉब्लम है, तो रसिया तो ईरान को साथ देगा ही, चाइना भी जो है ईरान को साथ देगा, सीरिया, लेबनान और यमन, इराक, ये सब जो है ईरान के साथ हैं। उसके दूसरी साइड देखें तो USA को जो अदर कंट्रीज में साथ देने वाले वो है इजराइल, तो साथ देगा ही, UK साथ देगा, और लेबनान और इजराइल का भी अपना एक प्रॉब्लम चल रहा है, तो लेबनान जो है इजराइल पर अटैक करना चाहेगा। तो इस वजह से देखा जा रहा है कि ईरान और USA दो ऐसे गुट बन जा रहे हैं जिसमें कि कई देश शामिल हो रहे हैं, और जिसकी वजह से माना जा सकता है कि एक बहुत बड़ा एक युद्ध का एक शुरुआत हो सकता है, बहुत बड़ा युद्ध का एक आहट है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन डेवलप हो रहा है। अभी क्या हो सकता है, व्हाट में हैपेंस, अभी हो क्या सकता है। तो रसिया के द्वारा देखा जाए तो रसिया जो है सीरिया में लगभग 400 मिसाइल को डिप्लॉय कर दिया गया है। अभी 400 मिसाइल जो है वो अगर हवाई हमला किया जाता है अमेरिका के द्वारा, तो विमान रोधी मिसाइल जो है उसको तैनात कर दिया गया रूस के द्वारा। अभी कहाँ किया है, सीरिया में, सीरिया से, जो कि अमेरिका को काउंटर कर सकता है। दूसरा इराक जो है, इराक USA का बेस पे बॉम्बिंग करने का प्लान किया है कि USA का कोई जो बेस रहेगा वहाँ पे इराक जो है बॉम्ब गिरा सकता है। ईरान जो है न्यूक्लियर अग्रीमेंट जो है, परमाणु संधि जो है उसको तोड़ सकता है, परमाणु संधि तोड़ने का जो प्रक्रिया शुरू कर सकता है, और अमेरिका के कई संस्थान पर साइबर हमला भी कर सकता है। मतलब कहा जाए तो ईरान भी अब जो है अमेरिका से टक्कर लेने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार देखा जा सकता है कि ये माहौल जो है काफ़ी ज़्यादा तनातनी है। तो इसको आप क्षेत्र में देखेंगे तो ईरान, इराक, सीरिया, सऊदी अरब, यमन, ओमान, ये सब जो गल्फ कंट्रीज हैं, इन सारे देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये सारे देश डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग देखें कि इसमें इंडिया जो है, इंडिया को क्या हो सकता है, ठीक है। तो इंडिया और जो ईरान और USA का वार,
तो इंडिया इसका जो नुकसान हो सकता है वो है कि इंडिया का 80 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, और अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो उन सारे जो 80 लाख जो पीपल हैं, लोग हैं, उन सबको वापस इंडिया में बुलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और वो 80 लाख पीपल जो है इंडिया में आने की कोशिश करेंगे, इंडिया बुलाया जाएगा। दूसरा देखें तो लगभग 40 अरब डॉलर का जो हमारा जो विदेशी मुद्रा आता है जो उसका नुकसान हो सकता है, तो 40 अरब डॉलर लगभग विदेशी मुद्रा का नुकसान हमारा हो सकता है अगर ये युद्ध का माहौल बनता है तो। तीसरा देखिए कि जो कच्चा तेल का जो दाम है, कच्चा तेल का दाम में लगभग 4% का भी वृद्धि माना जा रहा है कि भी हो चुका है, और 4% का वृद्धि मतलब कि प्राइस रेट काफ़ी बढ़ेगा कच्चा तेल का दाम अगर बढ़ता है। और अभी जिस प्रकार से इंडिया अभी महंगाई और बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसे में पेट्रोल और डीजल्स यानी पेट्रोलियम का दाम अगर बढ़ते हैं तो इंडिया को और भी ज़्यादा भारी नुकसान होने की संभावना होती है। चौथा पॉइंट है कि चाहबाज इंडिया जो है ईरान को होते हुए, चाहबाज पोर्ट होते हुए अफगानिस्तान के लिए जो लिंक बनाया था, तो चाहबाज पोर्ट पर भी समस्या खड़ा हो सकता है। अगर ईरान इन्वॉल्व हो जाता है तो चाहबाज पोर्ट को भी टारगेट किया जा सकता है, और ये इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये चाहबाज पोर्ट भी हमारा नुकसान कर सकता है, नुकसान हो सकता है। पांचवा देखें कि भारत का बहुत जो एक्सपोर्ट होता है गल्फ कंट्रीज में, उसका भी नुकसान होगा, जिससे कि बासमती चावल जो इंडिया का एक्सपोर्ट होता है खासकर गल्फ कंट्रीज में या फिर अदर कंट्रीज में, तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अमेरिका प्रतिबंध के बाद भारत ईरान से जो कच्चा तेल खरीदने का जो है उसके साथ साथ देखा जाए तो ये हमारा निर्यात भी प्रभावित होगा। अभी जो होर्मुज का जो जलीय मार्ग है, तो होर्मुज का जलीय मार्ग क्या है कि अमेरिका प्रतिबंध जब लगाता है तो भारत जो है ईरान से कच्चा तेल खरीदना जो है कम कर दिया है, और इसकी वजह से जो होर्मुज जलडमरू जो है एक बहुत ही स्ट्रेटजिक जो है जलडमरू हो जाता है, और यहाँ से लगभग 1/3 दुनिया का जो है कच्चा तेल और गैस पहुँचता है, और अगर इस क्षेत्र में अशांति होती है तो ये रास्ता को बंद कर दिया जाएगा, और इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय जो तेल की कीमत है और गैस की कीमत है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो इस पर क्या कह सकते हैं कि वैसे ईरान का जो रिलेशंस है वो भी तनावपूर्ण है, लेकिन आने वाले दिनों में ये रिलेशंस को सुधारा जा सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय बाय, टेक केयर।